हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ हो और मस्त हो। डियर, आज का जो वीडियो है आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स पर है। वो आपको क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या फिर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? क्या उनका ईगो कम रहा है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। तो डियर, चलिए, ये है करेंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो चलिए डियर, ये ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो पॉजिटिव होकर सुनिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। मेरे पर्सनल सेशन के चार्ज होते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी होते हैं डियर, ठीक है? आप डायरेक्ट मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है? देखिए डियर, कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, ठीक है? तो डियर, मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और ये देखना है क्या ये एनर्जी आपको पीक हो रही है, ठीक है? आप एनर्जी पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है? और देखिए, आपको इस वक्त पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? और आपके पार्टनर इस वक्त आपको लगातार सोचे जा रहे हैं, अपने ईगो पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अपने ईगो पे वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए डियर, देखिए एनर्जी आपसे मैच होती है कि नहीं होती है, लेकिन आपकी एनर्जी पिक करना चाहिए, क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हो, अपना इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। मेरे कुछ व्यूअर बहुत ज्यादा अपने आप पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और देखिए डियर, ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? किसी को रेजोनेट करे या ना भी कर सकता है। मेरे चैनल का कोई भी वीडियो आपको फोकस कर रहा है उसको आप जरूर देखें, ठीक है? अगर आपको बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है बार बार तो आप देखें, ठीक है? क्योंकि उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है? तो डियर, मैं साइन भी बता देती हूँ। मुझे जो स्ट्रॉन्ग, पहले तो सारे साइन है, कलेक्टिव रीडिंग है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है। जिसे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, टॉरस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसेस, एरिस, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, सारे साइन है डियर। फिर मैं बीच में देखती हूँ, है ना? तो चलिए डियर, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, देखिए, ट्रू फीलिंग्स वो बिल्कुल दिख रहा है डियर, ठीक है? वो फील कर रहे हैं, आपको लगातार याद करते हुए जा रहे हैं, ठीक है? एक पल आपको दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है? मिलने की तमन्ना उन्हें होती है और हो भी रही है, लेकिन यहाँ खुद को रोकते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ कंफ्यूज हैं। हिम्मत कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय के लिए भी, ठीक है? एनर्जी चेंज होती है, अभी के लिए ये कोशिश कर रहे, खुद को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये रोक नहीं पा रहे हैं। सिर्फ आपकी तरफ बढ़ने से ये डरते हैं, क्योंकि आपके सामने आने से ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और आपको छोड़कर जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपसे दूर जाकर भी अकेलापन उन्हें लगता है, बस आप ही आप उनके दिल और दिमाग में छाए हो, क्योंकि ये पूरी लाइफ आपके साथ देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में। अब प्रॉब्लम्स क्या है डियर, देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, करियर भी होते हैं, फाइनेंस भी होते हैं। कुछ के लिए करियर फाइनेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, किसी के लिए पेरेंट्स है, किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अगर आप सोलमेट जर्नी, ट्विन जर्नी में हो तो आप दोनों के बीच तीसरा आना ही आना है, क्योंकि जब तीसरा आता है, थर्ड पार्टी आता है, चाहे वो कोई भी हो, करियर फाइनेंस जॉब हो या कार्मिक के साथ डील करो या पेरेंट्स इश्यू हो, वो आना ही है। क्योंकि अगर आप लोग में दुनिया नहीं आएगी, सेपरेशन नहीं आएगा, तो आप खुद पर वर्क कैसे करोगे, आप हार्ड वर्क कैसे करोगे? आपको करना जरूरी है, आपको अपनी शक्ति को जगाना है, अपने विल पावर को बढ़ाना है, सेल्फ लव करना है, क्योंकि आप अंदर बाहर सबसे खूबसूरत होते हो, ठीक है? आप सोसाइटी में कुछ करने आते हो, इसलिए यूनिवर्स के बच्चे हो, और यूनिवर्स आपको साइन देते हैं कि अब तुमको अपने ऊपर काम करना, आपकी कदर खुद की करनी होगी, इसलिए आप लोगों को सेपरेशन आता है, इसलिए थर्ड पार्टी, तीसरा कोई भी आप दोनों के बीच में आता है। तो मैं यहाँ जो देख रही हूँ बाबू, याद तो लगातार करते हुए जा रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन मैं यहाँ बोल रही हूँ कि यूनिवर्स आपको और आपके पार्टनर को
बिल्कुल ब्लेसिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको कुछ साइन भी दिख रहे होंगे आपके और आपके पार्टनर को, लेकिन आप उस पर फोकस कीजिए कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको कभी कभी परेशानियां भी आती है तो उस पर भी आपको फोकस करना है, इसलिए कि आप हमेशा पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करना है। यूनिवर्स हर वक्त आपको साइन दे रहे हैं, ठीक है, एंजल्स आपके साथ हैं, प्लीज आप साइन को पकड़ें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। तो देखिए डियर, आपके और आपके पार्टनर दोनों ही स्टक हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में हो, वो अपने लाइफ में, दोनों ही खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इनर वर्क कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर मैं देख रही हूँ कि अपने आप को रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिश किस तरह का, करियर फाइनेंस को स्ट्रांग करने का, स्टेबल होने का, लेकिन जहां बात करनी चाहिए आपको लेकर मैं देख रही हूँ कुछ के पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। तो बहुत लोग को मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर चेंज करने, अपने आप को चेंज लाने की कोशिश वो कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हो कि ये जो एनर्जी है कभी लो होती है कभी हाई होती है ना, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि देखिए बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी एनर्जी मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ के पार्टनर रन कर रहे हैं बाबू, ठीक है, कुछ के पार्टनर रन कर रहे हैं और कुछ के पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं। अब रन कौन कर रहे हैं, जो अभी आप स्टक हो, परेशान हो, एकदम आप बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हो, किसी भी हाल में आपको पार्टनर चाहिए और आप हार्ड वर्क, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा चेस कर रहे हो, स्टक भी हो, तो उनके पार्टनर रन कर रहे हैं, ठीक है। मैं साइन भी बता देती हूँ, इसमें भी साइन है, एक्वेरियस दिख रहे हैं, जेमिनाई, टॉरस, एरिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये सब बहुत इसमें मुझे दिख रहे हैं डियर, ठीक है, जो आपके पार्टनर रन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ के पार्टनर रन भी कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर का ईगो भी कम रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ के मैं देख पा रही हूँ बाबू, ठीक है, कि कुछ के पार्टनर अभी आपके तरफ सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग करते दिख रहे हैं कि आपके तरफ बढ़ना है, कॉल मैसेज करना है, कुछ के पार्टनर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे, अभी की बात नहीं कर रही, ये मंथ है डियर, ठीक है, एक्शन मीन्स कमिटमेंट रीयूनियन, ये मंथ मुझे दिख रहा है, वीकली कहा जाए तो वीक में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद को यहाँ रोकते हुए दिखाई दे, क्योंकि कन्फ्यूजन इनके दिमाग में बहुत ज्यादा है, आपसे आपके पार्टनर ने कभी भी झूठ बोला हो, चीटिंग की यहाँ थोड़ी सी आ रही है, ठीक है, चीटिंग की है आपसे, जो भी हो, जिसके लिए छोड़कर गए, हो सकता है आपके पार्टनर जॉब करियर पर जब फोकस कर रहे हैं, ऑफिस हो, कहीं भी हो, तो कहीं भी किसी के साथ भी इनको ऐसा कुछ लगा हो जो उनके साथ ये इंगेज हो गए, उनसे उनकी शुरुआत हुई, उनसे सोचे कि चलो कहीं टाइम पास हो जाए, मस्ती हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर जो है मस्ती मजा करने वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे फाइनेंस पे काम करना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ देखना चाहते हैं, लेकिन अभी वो करियर फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपके पार्टनर के लाइफ में तीसरा कोई आया जो कि वो सेल्फिश, जो भी हो, मेल हो फीमेल, सेल्फिश थे, तो आपके पार्टनर वो समझ गए हैं, लेकिन वो टूटे हैं, लेकिन किसी को वो शेयर नहीं किए, ये कुछ लोग के लिए, चंद लोग के लिए, ठीक है, लेकिन ये फ्लर्टिंग नेचर, किसी के पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के भी लग रहे हैं, लेकिन इनका ईगो कम नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये ईगो पे अब काम करना चाहते हैं, ईगो को अपना कम करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, कहीं आप इग्नोर तो ना कर दोगे, कहीं आपने उनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, क्या एक्शन लूं या ना लूं, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है, लेकिन आपके फोटो देखते हैं, बात करते हैं, तो डियर ये बात कर क्या हुआ, यहाँ पे उनकी गलती मुझे पूरी तरह दिख रही है, वो जानबूझकर दुनिया बना रहे, वो चाहते तो आपके तरफ बढ़ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, तो डियर मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ लोग बहुत, मतलब वो बहुत वेट करवा रहे हैं आपके पार्टनर, ये वेटिंग एनर्जी है, और देखिए दुनिया वो कम कर सकते हैं, लेकिन वो माइंड को सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ बुरा हो, दर्द हो, पेन हो, खुद को छुपाते हैं, आपसे छुपाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और जो दुनिया आप लोग में बढ़ी, दोनों में शक हुआ, आपके पार्टनर हो सकता है, कुछ के पार्टनर आप पर शक किए और आपने अपने पार्टनर को शक किया, तो इस वजह से आप में दुनिया आई, झगड़े हुए, लड़ाई हुए, कुछ खास
चेंज तो अभी मुझे नहीं दिख रहा बाबू, क्योंकि अभी भी इनमें ईगो है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ईगो पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्लानिंग और विचार ये कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके दिल और दिमाग में उतार चढ़ाव आपसे सिर्फ एक अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। आज भी अगर आपकी तरफ आते हैं तो शो करेंगे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन आपकी फीलिंग्स को वो जानते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, आप प्यार करते हो, विश्वास है उनको, और ये आएंगे, एनर्जी लेंगे और फिर ये ऑन ऑफ करते रहेंगे। जब तक एनर्जी में बैलेंस है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर आएंगे और जाएंगे। ठीक है, आपको विश्वास करना खुद पर, अपने गोल्स पर, अपने करियर पर। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर यहाँ पे फोकस करिए। ठीक है, इस रिश्ते में थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स नहीं बोल रहे हैं, ये रिश्ते के लिए आपको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना होगा। देखिए, ये एक एनर्जी है बाबू, एनर्जी चेंज होती है, और ये विश्वास की जर्नी है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं सिर्फ तुम विश्वास करो, पेशेंस रखो, अपने ऊपर काम करो, अपने करियर के ऊपर काम करो। ठीक है, आपके कुछ गोल्स हैं, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको आंसर मिलेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जब आप मेडिटेशन पे बैठोगे, हील होगे, वैसे वैसे आपको एंजल साइन देना शुरू करेंगे, और आपके इंट्यूशन में ही वो चीज आएगा। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर कुछ खास है, वो निकल कर बाहर आएगा, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। अभी इनको अपने ऊपर काम करने दीजिए, ये अट्रैक्शन है इनको, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो आपकी तरफ इसलिए बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ दोनों ही स्टक हो। ठीक है, दोनों ही स्टक हो और एक दूसरे को चेस भी कर रहे हो, और उससे ज्यादा आपके पार्टनर चेस तो कर रहे हैं, लगातार आप पर नजर रखते हैं। ठीक है, लगातार आप पे नजर रखते हैं, लेकिन ये लंबा खींचेंगे बाबू, मैं बोल दे रही हूँ लंबा खींचेंगे। इस बीच आपको अपने ऊपर काम करना है। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर को कभी कभी शक भी होता है, आपने अपने ऊपर काम किया है, खुद को रोका है, तो आप समझ रहे हो, लेकिन ये एनर्जी जो पार्टनर की, कभी कभी शक होता है और ये बर्दाश्त नहीं होता है इनको, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, इनके दिमाग में ये भी चल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर आज भी किसी बात को वो छुपा रहे हैं, आपसे मिलेंगे तो वो कुछ बात भी छुपाएंगे। हो सकता है आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कुछ लोग से बात हुई है तब भी आपसे क्लियर वो बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ संतावना दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह एक्शन के मूड में नहीं दिख रहे हैं। याद तो बहुत कर रहे, लगातार कर रहे हैं, ये खुलकर ना ही पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और ना ही खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं। प्यार तो है, लेकिन आप दोनों में जो भी गलत फहमियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको शक भी हो रहा है आप में चेंज आने का क्या है, आप ऐसे चेंज क्यों हुए, उनका ख्याल, उनको पैम्पर आप क्यों नहीं कर रहे, उन्हें शक भी हो रहा है डियर कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए या फिर कहीं आप किसी से इंगेज हो। लेकिन वो क्लियर करने आपके तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए मुझे लग रहा है कि इनका ईगो आने वाले टाइम में कम होता हुआ दिख रहा है। बेचैनी तो है डियर, कभी भी किसी से मैं कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बोलूंगी कि इनको अट्रैक्शन है आपसे और आपकी तरफ इसलिए बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाबू ये थोड़ा लंबा खींचने वाले हैं। ठीक है, ये आपको वेटिंग कराने, वेट वेट कराने वाला, ये वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम करें, और ये अपने अकेलेपन को दूर करने आएंगे डियर। अगर बीच में आते भी है तो अकेलापन दूर करने आएंगे। ठीक है, तो आपसे एनर्जी लेने आएंगे, लेकिन ये याद रखना ये लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि आप स्टक हो, वो भी स्टक हैं, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन शादी आपसे करेंगे। आपको मूव ऑन नहीं करना, अपने अपने इनर वर्क करना है। ठीक है, एक साल में जितने एग्जाम आते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको हर एग्जाम में पास करना है डियर। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर भी मिलता है, सेपरेशन भी मिलता है, हर वक्त ब्लॉकेज भी आपको परेशान करता है, क्योंकि हर वक्त आपका इम्तिहान चलता है कि कब आप कितने बैलेंस में आए। ठीक है, हमेशा ये याद रखना बाबू, और बैलेंस करना। और देखो, वो भी सोच रहे क्या करूं नहीं करूं, गिल्ट तो उन्हें होगा, क्योंकि आपके साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, आपको आपको उम्मीद दिया है, आपसे वादा किया है, इससे उनके गिल्ट महसूस होता है। लेकिन अभी उनके दिमाग में शक चल रहा है, शक किस बात का, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, आप उनको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हो, इस बात का शक है, और आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी हाल में। लेकिन आने वाले टाइम में ये कोशिश करेंगे, अभी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, बस आपको विश्वास करना है, क्योंकि उन्हें इस प्यार पे विश्वास है,
कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपको कोई भी पसंद कर सकता है। आप में सारी वो अच्छाइयां हैं जो आपको कोई भी आपको पसंद कर सकता है, क्योंकि आपकी तारीफ वो करते हैं, पीठ पीछे कहीं भी छुपते छुपाते हुए भी आपकी तारीफ करते हैं। कोई भी आपके खिलाफ बोल दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, यानी कि प्यार पूरा है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो भी देखिए डियर, एनर्जी है, एनर्जी चेंज होती है, वो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, ईगो पे काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना होगा क्योंकि ये स्लो मुझे दिख रहे हैं। कॉल मैसेज करेंगे, आपसे मिलेंगे तो ऑन ऑफ भी करेंगे। तो आने वाले टाइम में चलिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए, कभी भी उनका मूड चेंज हो, एनर्जी चेंज हो और आपको कमिटमेंट दे। कॉल मैसेज आता है तो बात करें अपने से कॉल मैसेज। इस वीक तो मैं कभी नहीं बोलूंगी बाबू कि इस वीक आप अपने से कॉल मैसेज करो, क्योंकि इस बीच अपने से कॉल मैसेज करोगे तो इग्नोर कर देंगे या टाइम से आपको जवाब नहीं देंगे या फिर नहीं देंगे तो आपके परेशानियां बढ़ेगी और आप सोचोगे और अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे। और आपको सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है डियर। तो देखिए ये एनर्जी इनकी इस वक्त यही चल रही है और उनके दिमाग में काम बहुत ज्यादा है। और देखिए वो कोशिश करेंगे, आपकी अगर एनर्जी हाई वाइब्रेशन रहेगी तो अपने पेरेंट्स से भी वो एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। आने वाले 2 मंथ के बाद देखिएगा, बहुत लोग इसी व्यूअर्स में से, मेरे व्यूअर्स बहुत अपने आप को बैलेंस करेंगे, इसी में अचानक से किसी की कोर्ट मैरिज भी होने वाली है। ठीक है, तो कोर्ट मैरिज होने वाली, तो मैं बता देती हूँ इसमें सारे साइन मुझे दिख रहे बाबू। ठीक है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है, पाइसेस है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लियो, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, ये सब है। ये इसमें से किसी को भी मैं देख रही हूँ, बहुत लोग को तो नहीं मैं बता सकती हूँ, कुछ चंद लोगों को मैं देख रही हूँ अचानक से आपके पार्टनर कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे होगे और आपके पार्टनर उस वक्त उनका ईगो एकदम से टूटने वाला है और आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ये मैं इस साल की बात नहीं कर रही बाबू, 22 की बात करूं, 2 मंथ के बाद ही ये बात होगी, इसलिए 1 वीक तक आप कॉल मैसेज अपने से मत करना। ठीक है, क्योंकि बहस झगड़े हो सकते हैं क्योंकि अभी वो बैलेंस में नहीं है, अभी ईगो पे वो काम करने वाले, ईगो कम नहीं रहा है अभी, ईगो पे ये काम करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए और ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स एंजल्स गॉड को दें, सेल्फ लव करें, सबको फॉरगिव करें और अपने ऊपर काम करें, मेडिटेशन जरूर करें। ठीक है, मेडिटेशन करें और अपने ऊपर फोकस करें, अपने करियर पे ऊपर जरूर फोकस करें क्योंकि आज करियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है, गोल्स आया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी आई है वो थोड़ी है वेटिंग एनर्जी, थोड़ा धीरे वो काम कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आज आपके करियर पर बोल रहे हैं कि जो भी आप करना चाहते हो आप करो, आपको आंसर मिलेगा, क्या आप करना चाहते हो रास्ते खुलेंगे। इसलिए मेडिटेशन पे बैठे और यूनिवर्स एंजल से एनी टाइम कनेक्ट रहे, आपको मैसेज जरूर मिलेगा डियर। ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें और करियर गोल्स के ऊपर फोकस करें। ठीक है, सोल पर्पस आपका क्या है उस पर फोकस करें डियर। तो चलिए ये थी आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।